मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लाखों दावे करता है, परंतु जमीनी स्तर पर इन दावों की पोल किस तरह खुलती है और कैसे लोगों की जाने जाती है, हम दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में जमीनी हकीकत। मामला पन्ना की तहसील गुनौर के वार्ड नंबर 15 का है, जहां वायरल फीवर सर्दी जुकाम के प्रकोप से जिले के लोगों का हाल बेहाल है। इस बीमारी के चलते 4 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं हर घर में लोग बीमार पड़े हैं। जिला अस्पताल में भी मरीजों को पलंग तक नसीब नहीं हो पा रहा है। इस बीच गुनौर नगर परिषद कस्बे का वार्ड नंबर 15 छगम्मा आदिवासी बस्ती में, जहां बीते करीब 3 महीने से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली सप्लाई ठप पड़ी है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप है। नतीजन बच्चों का सर्दी बुखार से हाल बेहाल है और इस मोहल्ले के 4 वयस्क लोगों की मौत बीते 3 हफ्तों में बीमारी के कारण हुई है। नगर परिषद गुनौर के इस वार्ड में न तो मच्छर भगाने वाली फॉगिंग मशीन आती है, न ही मच्छरों से सुरक्षा के लिए किसी दवा का छिड़काव किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि न ही उनके आयुष्मान कार्ड बने हैं, न ही इन्हें स्वास्थ्य विभाग से कोई सहूलियत मिली है। वहीं गांव में कुपोषण से ग्रसित बच्चे भी मिले हैं। साथ ही SDM ने गांव में स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगवाकर लोगों की जांच करवाई एवं सभी इलाज की व्यवस्था करवाने की बात कही है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब गांव में बीमारी लगभग 1 माह से फैली है, तो लोगों की मौत के बाद ही क्यों स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली है? उसके पहले लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिल पाई? अम्मा भटवा। अच्छा, क्या है इतने परेशानी? इतने है बुखार, ताप, सर्दी, जुखाम, कोई डॉक्टर नहीं आया। कितने लोग बीमार हुए? कम से कम एक घर में 4 आदमी, 2 आदमी, 1 आदमी बीमार है। अच्छा, अस्पताल से कोई आओ? हाँ, आओ काल पन्ना से आओ, सो तत्काल मौत हो गई। और ये पन्ना से आओ, सो करो कल तेर ही भाई। अच्छा, देख में कोई आओ है? हाँ, कोई नहीं आओ जी। अधिकारी वगैरह आए हैं? कोई नहीं आया जी। अच्छा, और तुम आयुष्मान कार्ड वगैरह भी बन? नहीं है जी। कार्ड वगैरह बनो ना? का नाम है? हमारा गुलाब भाई। गुनौर में लगातार हुई मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है और SDM के साथ स्वास्थ्य अमले, महिला बाल विकास ने एक साथ वार्ड में पहुंचकर जायजा लिया। बीमार लोगों को स्वास्थ्य केंद्र गुनौर भेजा गया और एक गंभीर व्यक्ति को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। SDM ने कहा कि वार्ड के सभी बच्चों और वयस्कों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और CMO को बुलाकर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वार्ड में कुपोषित बच्चे भी मिले हैं। अभी डॉक्टर साहब भी यहीं हैं और इसमें पिछले 1 महीने में 3-4 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है और अभी हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी अभी बीमार हैं उनको प्रेरित करके हम गुनौर स्वास्थ्य केंद्र में हम ले जा रहे हैं और अभी CMO को भी हमने बुलाया है और यहाँ पे जो भी कमियां होगी उसको हम लोग अभी ठीक करने के निर्देश। नगर परिषद द्वारा ना तो कोई पंगल मशीन चलाई गई, ना ही इन्हें साइड। हाँ, ये आपके माध्यम से मुझे पता चला है, लिहाजा मैंने CMO को बुलाया था, उनको पंगल मशीन तत्काल हम यहाँ पे उसको। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 3 माह से लाइट नहीं है, जिस कारण से मच्छर वगैरह बीमार हुए उसका। जी हाँ, अभी मैं MPV के JEE से अभी तत्काल मैंने बात की है और उनके द्वारा कहा गया है कि कल हम इनका ट्रांसफर यहाँ लगवा देंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुखिया CMHO और आदेश पांडे पूरे घटनाक्रम पर अपना रटा रटाया जवाब और सफाई देते नजर आए। 4 लोगों की मौत हुई, क्या पूरा कारण क्या है? मेरे पास जो जानकारी है उसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई, एक व्यक्ति की करीबन 20 दिन पहले मृत्यु हुई थी, लगभग 1 महीने पहले वो सतना में उपचार करा रहे थे, उनको गुर्दे की बीमारी की समस्या थी। दूसरे व्यक्ति को पी लिया था, एक व्यक्ति को जो कि वहाँ पर हमारे डॉक्टर आशीष तिवारी ने भी देखा था, उपचार चल रहा था, उसको आगे जाने की सलाह दी गई थी, वो बाहर नहीं गए और घर में ही रहे, इसके कारण खुद की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति की और मृत्यु हुई है, पर इनका एक दूसरे से इस मृत्यु में किसी तरह का ना तो कोई एपिडेमिक है ना कुछ है। हाँ, वायरल फीवर के कुछ बच्चे या कुछ 4-6 लोग मिले हैं, तो इस समय वायरल फीवर का एक तरह से केसेस मिलते हैं, लेकिन वो गंभीर नहीं होते, सर्दी जुकाम बुखार है और वो साधारण उपचार में ठीक हो जाता है। डेंगू का बिल्कुल ठीक हो, आज की स्थिति में पन्ना जिले में एक भी डेंगू का पॉजिटिव केस नहीं है।